चलिए आप लोगों के बीच भारतीय संविधान में एक छोटा सा टॉपिक है तो बहुत छोटा लेकिन है बहुत मजेदार। कैसे मजेदार है यही जानना है हम लोग, क्योंकि आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबरान थे उन्होंने ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर मॉडल को अपनाया। ऐसे वेस्टमिंस्टर मॉडल जिसे हम पार्लियामेंट्री सिस्टम के रूप में भी जानते हैं, उस संसदीय शासन व्यवस्था में जो एक्सक्यूटिव होती है, जो रियल एक्सक्यूटिव होती है, जिसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, और जिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, तो जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वह व्यवस्थापिका से ही बनती है। ऐसे में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति ही रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि कार्यपालिका को बहुमत होता है, जिसके बारे में हम बहुत पहले एक वीडियो बनाए थे और लंबी चौड़ी उस पर बहस भी हुई थी। तो वह मंत्री परिषद कब तक, तब तक जब तक उसे व्यवस्थापिका यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त है। तो ऐसे मंत्री परिषद जिसे बहुमत प्राप्त होता है वह बहुमत के दम पर निश्चित रूप से जो चाहे वो कर सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में और परंपराओं में कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण लगाने के साधन का न केवल प्रावधान किया गया बल्कि विकसित भी हुआ कि लोकतंत्र में वित्त बहुत महत्वपूर्ण विषय होता है। हमें जानना यह है कि कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण लगाने के कौन कौन से साधन हैं, तो उन साधनों में बहुत से नाम आपको मालूम होंगे कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका को कैसे नियंत्रित करती है। तो आप कहेंगे प्रश्नकाल के दौरान प्रश्नकाल भी नियंत्रण का एक साधन है, जिसमें पूरक प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न, अल्पकालीन सूचना के प्रश्न, शून्यकाल जैसी घटना भी होती है, स्थगन प्रस्ताव होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, कटौती प्रस्ताव, उस कटौती प्रस्ताव के तीन रूप होते हैं, नीतिगत कटौती प्रस्ताव जिसे पॉलिसी कट कहा जाता है, इकोनॉमी कट, टोकन कट, ये सब कटौती प्रस्ताव ये भी नियंत्रण के साधन हैं। ऐसे नियंत्रण के साधन के रूप में अनुदान की मांग, अनुदान की मांगों पर चर्चा और उस पर वोटिंग भी होती है। उसी नियंत्रण के रूप में एक सिविल अधिकारी है जिसकी मैं चर्चा करने की बात आपसे शुरू में की कि संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण कैसे लगाया जाए। नियंत्रण के रूप में एक और साधन जिसका नाम है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यही आज हम लोग चर्चा करेंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148, ये वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहा जाता है। ये देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है, चाहे वह केंद्र का हो, चाहे राज्य का हो, चाहे संघ शासित प्रदेशों का, या देश की समस्त जितने भी फाइनेंशियल सिस्टम है उस फाइनेंशियल सिस्टम को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है यह सब जानना है हमको इस विषय में।
अंबेडकर जैसे समाज सुधारक, राजनीतिक विचारक कि इस नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर स्टेटमेंट है कि सीएजी संविधान के उपबंधों के अधीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी होगा, सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा जो यह देखेगा, जो यह देखेगा कि संघ और राज्यों की संचित निधि में से विधानमंडल के प्राधिकार के बिना एक रुपया भी व्यय न किया जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है। वह नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो देश की समस्त फाइनेंशियल सिस्टम का नियंत्रण करता है, उसके बारे में अंबेडकर ने क्या कहा कि यह संविधान के अधीन उपबंधों में सर्वाधिक महत्व का अधिकारी होगा जो यह देखे, क्या देखेगा कि भारत की और राज्यों की जो कंसोलिडेटेड फंड है, जो राजस्व है, ऐसे संचित निधि में से विधानमंडल के प्राधिकार का अर्थ होता है कि संघ की और राज्यों की जो संचित निधि होती है, उस संचित निधि में से बिना विधि के प्राधिकार के एक पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। नियंत्रक महालेखा परीक्षक यह देखे कि क्या इन निधि में से कोई भी व्यय बिना विधि के अथॉरिटी के किया गया है या नहीं किया गया है। यहां पर मैं इंगित कर दूं कि अंबेडकर ने पैसे की बात की थी, क्योंकि आज पैसा हमारे मुद्रा का इकाई नहीं है, अब रुपया हो गया, इसलिए मैंने पैसे की जगह पर रुपया लिख दिया। कुछ इसके साथ बातें हैं कि जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है वह ये संघ है, ये राज्य है, और तीसरा जो संघ शासित प्रदेश है, इन तीनों की संचित निधि होती है, यानी इन तीनों की प्राप्ति के स्रोत होते हैं। प्राप्ति के स्रोत कौन होते हैं? दो होता है, राजस्व प्राप्ति और दूसरा पूंजीगत प्राप्ति, यानी भारत सरकार के या स्टेट गवर्नमेंट्स के या यूनियन टेरिटरीज में जो गवर्नमेंट्स हैं, जहां पर विधानसभा है, उनके रिसीट्स के दो रिसोर्स होते हैं, पहला रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कैपिटल रिसीट्स। तो जो भारत सरकार या राज्य की सरकारें या ये प्राप्त करते हैं उसे रखते हैं, जिसे हम कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं।
भारत सरकार का है तो भारत की संचित निधि, राज्य सरकारों का है तो राज्य की संचित निधि, और संघ शासित प्रदेशों का है तो उनकी संचित निधि। ध्यान क्या रखना है कि ब्रिटेन में जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है उसके पास ये शक्ति भी है और ये शक्ति भी है। इसी वजह से नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इस संचित निधि का संरक्षक कहते हैं, या इसी को हम पब्लिक पर्स भी कहते हैं। लोक बटुआ भी कहा जाता है, पब्लिक मनी या पब्लिक पर्स। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को इस संचित निधि का संरक्षक, कस्टोडियन, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स, कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कहते क्यों हैं? इसलिए कहा जाता है कि इस संचित निधि में से भारत सरकार या राज्य की सरकार या संघ शासित प्रदेशों की सरकारें इसकी अनुमति के बिना एक भी पैसा खर्च नहीं कर सकती, जिसके वजह से इसे कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। लेकिन हमारे देश में नियंत्रक महालेखा परीक्षक से यह नियंत्रण की शक्ति छीन ली गई है, अब इसका कोई नियंत्रण नहीं। मैं ये कह सकता हूं कि भारत सरकार अपने भारत की संचित निधि में से जो पैसा चाहे वो पैसा व्यय कर सकेगी, निकाल सकेगी, खर्च कर सकेगी। शर्त है कि विधानमंडल के प्राधिकार के द्वारा ऐसा किया जाए। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक का इस संचित निधि के में से धन निष्कासन पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो सवाल यह है कि वो करता क्या है? तो वह महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, महालेखा परीक्षक ऑडिटर जनरल के रूप में कार्य करता है। अब सवाल आ गया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदनाम भ्रामक है, निश्चित रूप से भ्रामक है। कथन कारण का यह सवाल होता है, ध्यान रखिएगा। पूछने वाला पूछे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदनाम भ्रामक है, दूसरा देता है कि यह महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है, निश्चित रूप से दोनों सही है। और व्याख्या भी है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पदनाम भ्रामक है। भ्रामक क्यों है? क्योंकि जब वह नियंत्रक के रूप में कार्य नहीं करता तो फिर उसे नियंत्रक क्यों कहा जाए? वह तो केवल महालेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। ऐसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसकी नियुक्ति नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये वो सिविल अधिकारी है जिसे नियुक्त राष्ट्रपति करता है, किंतु वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है। अनुच्छेद 310 में आप देखेंगे कि जो रक्षा सेवा के अधिकारी हैं, जो अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, किंतु नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसका अपवाद है। ऐसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक को नियुक्त करेगा राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कितने वर्षों के लिए नियुक्त करेगा, कितने वर्षों तक अपने पद पे बना रहेगा, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं।
बल्कि संसद को यह अधिकार है कि संसद विधि के द्वारा निर्धारित करेगी, संसद विधि के द्वारा जैसा विनिर्दिष्ट करेगी वैसे शक्तियों का, कर्तव्यों का या उसकी सेवा शर्तें होंगी। संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति सेवा व अन्य शर्तें अधिनियम 1971 अधिनियमित किया। यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तें क्या होंगी, नियुक्त होगा तो कितने वर्ष के लिए नियुक्त होगा, अगर इस दौरान वह उतने वर्ष की आयु पूरी करता है कितने वर्ष की नहीं मालूम, नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्त होगा तो उसके लिए कितना वेतन होगा, वह वेतन कहां से निर्धारित होगा, कहां से दिया जाएगा, इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब देखिए क्या यहां पर लिखा गया कि जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा तो नियुक्त करने के बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक कितने वर्षों तक पद धारण करेगा, संसद ने नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति तथा सेवा व अन्य शर्तें अधिनियम 1971 अधिनियमित किया, जिसमें 1976 में संशोधन किया गया। किस लिए किया गया था वो बाद में बताऊंगा आपको। क्या लिखा गया कि राष्ट्रपति इसे नियुक्त करेगा कितने वर्षों के लिए, 6 वर्ष के लिए। अब इसी अधिनियम में 71 में यह प्रोविजन किया गया कि यदि नियंत्रक महालेखा परीक्षक 6 वर्ष के लिए नियुक्त होता है और इस दौरान 65 वर्ष की आयु पूरी करेगा तो उसका पद रिक्त हो जाएगा। ऐसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक की भूमिका में मैं बताया था कि संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है और कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण लगाने के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक का निष्पक्ष होने के साथ साथ स्वतंत्र होना जरूरी है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे उसकी स्वाधीनता सुनिश्चित की गई है, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक कार्यपालिका के नियंत्रण से कैसे बचा रहे, उसकी स्वाधीनता को सुनिश्चित किया गया। जैसे पहला कि वह अगर नियुक्त होता है तो 6 वर्षों के लिए नियुक्त होगा, यदि इस दौरान वह 65 वर्ष की आयु पूरी करता है तो उसका पद रिक्त हो जाएगा, यदि 65 वर्ष की आयु पूरी नहीं करता है तो उस 6 वर्ष के पहले उसका पद कैसे रिक्त हो सकता है, वह राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा रेसिग्नेशन लेटर दे सकेगा। दूसरा, कैसे स्वाधीनता सुनिश्चित की गई कि उसे साबित कदाचार या असमर्थता, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसी प्रकार से उसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाएगा जिस आधार पर और जिस प्रक्रिया से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाएगा। अनुच्छेद 124 के सेक्शन 4 में इसका जिक्र किया गया कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कार्यपालिका के नियंत्रण से कैसे स्वाधीन बनाया जाए। तो स्वाधीन बनाने के लिए देखिए क्या क्या प्रोविजन है। पहला तो यह है कि वह राष्ट्रपति को हस्ताक्षर सहित लेख के द्वारा रिजाइन देगा। दूसरी बात यह कही गई कि अगर
संसद के दोनों सदन उसे हटाना चाहते हैं तो हटाने के लिए विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करनी होगी। उसी प्रकार जिस प्रकार 124 के सेक्शन 4 में प्रावधान किया गया है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जाएगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तीसरी बात, नियुक्त होने के बाद उसके पद में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक जब नियुक्त हो जाएगा, पद धारण कर लेगा, तो पद धारण के दौरान उसके पद में अर्थात वेतन भत्ता, उसकी सेवा शर्तें, आयु में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यह स्वाधीनता सुनिश्चित करने के प्रावधान है। चौथी बात, स्वाधीनता सुनिश्चित करने के चौथे प्रावधान कि ऐसा नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कार्यालय के प्रशासनिक व्यय उसके कर्मचारी वृंद का वेतन भत्ता पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होगा। यह स्वाधीनता का चौथा उपाय कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक और उसके कार्यालय का जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होगा, वो सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस और उसके वर्किंग स्टाफ की जो सैलरी होगी, अलाउंसेस होंगे, जो पेंशन होंगे, वो चार्जेस ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर होंगे, यानी वो भारत की संचित निधि पर भारित होगा। संचित निधि पर भारित होने का मतलब ये होगा कि उस पर सदन में चर्चा होगी किंतु वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक को कार्यपालिका के नियंत्रण से बचाने के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में यह प्रावधान किए गए। संसद ने उसी नियंत्रक महालेखा परीक्षक सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में संशोधन किया। कब किया? 76 में किया, 76 में किया। ध्यान होगा कि आप लोगों को इसके ऊपर सवाल 2019 के आईएएस में पूछा हुआ था, तो जितनी मैं चर्चा कर रहा हूं अगर इतना आप तैयार कर लें तो मेंस के एग्जाम में भी जो सवाल पूछेगा हम उसको लिख सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा का सवाल तो बहुत ईजी होगा, जैसे मैंने आप लोगों से बोला कंसोलिडेटेड हु इज ए कस्टोडियन ऑफ पब्लिक पर्स या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आदि सवाल पूछता है, यह समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है। लेकिन नियंत्रण की शक्ति छीन ली गई, अब उसकी सेवा शर्तें, उसकी स्वाधीनता को सुनिश्चित करने के लिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, पार्लियामेंट ने अपने कानून के द्वारा क्या प्रोविजन किया, वो भी आपके सामने है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की सेवा शर्तें अधिनियम 1971 में जो संशोधन किया गया 1976 में, इस 1976 की बहुत महत्वपूर्ण चीज जानते रहिए कि न केवल कुछ चीजें जोड़ी गई बल्कि कुछ चीजें इससे छीनी भी गई कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक से 1976 में संघ के लेखा परीक्षण से लेखा को
अलग कर दिया गया है। यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक जब अकाउंट्स की जांच करेगा तो संघ के लेखा की जांच करने का अधिकार उसको नहीं होगा, अलग कर दिया गया, जब तक कि पार्लियामेंट कोई लीगल प्रोविजन न करे। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करेगा जब नियंत्रण की शक्ति उसके पास नहीं है या संघ के लेखा परीक्षण से लेखा को अलग कर दिया गया? ऐसे में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य क्या होंगे, उसकी शक्तियां क्या होंगी? तो सेवा शर्त अधिनियम 1971 में इस बात का प्रोविजन किया गया। क्या? तो एक एक करके उसकी शक्ति हम देखते हैं। कर्तव्य और उसकी शक्ति। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के क्या कर्तव्य हैं, उसकी क्या शक्ति है? तो ऐसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों के संदर्भ में 1971 का जो अधिनियम पार्लियामेंट ने पास किया और 1976 में जो संशोधन किया गया, उसमें क्या लिखा है? पहली चीज कि सीएजी क्या करेगा, वह संघ के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की संचित निधि में से किए गए व्यय की संपरीक्षा करेगा, संपरीक्षा करेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पहला काम क्या है कि वह भारत की राज्यों की, हमने कहा ना आपसे कि वह देश की समस्त वित्तीय प्रणाली का नियंत्रण करता है। कैसे? तो वह भारत की यानी संघ की, राज्यों की और संघ शासित प्रदेशों की जो संचित निधि होती है, उस संचित निधि में से जो धन व्यय किया जाता है उसी की ऑडिट करेगा। जैसे उदाहरण के लिए जब बजट पास होता है, तो जब बजट पास होता है तो उस बजट पास होने के दौरान जो वित्त मंत्री होता है, यानी भारत सरकार में कह सकता हूं, बहुत सी उसके कार्यक्रम होते हैं, योजनाएं होती हैं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन है, सड़क बनाने का है, रेलवे का विद्युतीकरण का हो सकता है, रक्षा पे व्यय हो सकता है, प्राथमिक शिक्षा हो सकता है, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, दोपहर में भोजन के लिए पैसे की जरूरत होगी। तो उस बजट में जो विभिन्न कार्यक्रम योजनाएं बनाई जाती हैं उसके लिए सरकार को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, अनुदान चाहिए, ग्रांट्स चाहिए। तो वित्त मंत्री क्या करता है, अनुदान की मांग करता है कि हमको दोपहर के भोजन के लिए इतना पैसा चाहिए या सड़क बनाने के लिए हमको इतना पैसा चाहिए। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक विपक्ष बैठी रहती है, क्योंकि सरकार बहुमत में होती है और जितना पैसा चाहती है उतना पैसा उसको लेने का अधिकार मिल जाता है, क्योंकि अनुदान की मांग पर चर्चा होगी और चर्चा होने के साथ साथ फुटिंग भी होती है, लेकिन राज्यसभा को मतदान में भाग लेने का अधिकार नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि लोकसभा में सरकार बहुमत में होती है, मतदान होगी तो सरकार तो पास करवा ही लेगी अपने पक्ष में। अब सपोज कीजिए कि सड़क बनाने के लिए या विधवा पेंशन के लिए सरकार को अनुदान मिला, कितना मिला? 500 करोड़ रुपया मिला। तो जब अनुदान की मांग पर चर्चा होगी, मतदान होगी, पास हो जाएगा, तो सारे के सारे अनुदान की मांग को मिलाकर सरकार क्या करती है, विनियोग विधेयक पास करती है। उस विनियोग विधेयक पर भी चर्चा होगी, वोटिंग होती है, पास करा लेती है सरकार,
तो उस विनियोग विधेयक में जितने अनुदान की मांग होती है, जितने पैसे का उल्लेख होता, उतना पैसा भारत सरकार संचित निधि में से पैसा निकाल लेती है, यानी उसको यह अधिकार मिल जाता है कि उतना पैसा भारत की संचित निधि में से निकाल ले। अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक का रोल देखिए, जैसे केंद्र में पैसा अनुदान की मांग की जाती है, वैसे राज्यों में भी। अब सीएजी का रोल, सीएजी का क्या रोल शुरू होता है कि वह संघ के, राज्यों के तथा संघ शासित प्रदेशों की जो संचित निधि है, ऐसे संचित निधि में से जो ये पैसा निकाला गया है उसी की ऑडिट करेगा। ऑडिट करने का सेंस कि विधवा पेंशन के लिए सरकार को 500 करोड़ रुपया मिला है, सरकार ने इस 500 करोड़ रुपये को विधवा पेंशन पर व्यय किया है और वह व्यय सही किया है या गलत किया है। 500 करोड़ रुपया का व्यय जो विधवा पेंशन के लिए किया जाना है, वह विधवा पेंशन के लिए ही किया गया है या नहीं किया गया है, यही नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करेगा, ऑडिट करेगा। दूसरा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करेगा, तो यह संघ की, राज्यों की आकस्मिक निधि कॉन्टेंजेंसी फंड व लोक लेखा पब्लिक अकाउंट्स, यह भारत की और राज्यों की जो आकस्मिक निधि होती है, जो पब्लिक अकाउंट्स होता है, ऐसे आकस्मिक निधि और पब्लिक अकाउंट्स में से जो धन व्यय किया गया उसी की क्या करेगा, संपरीक्षा करेगा, ऑडिट करेगा। दो बात मैंने आपको बताया कि संघ की संचित निधि, राज्यों की संचित निधि, संघ शासित प्रदेशों की संचित निधि में से जो धन व्यय किया जाता है उसी की ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद क्या होगा बाद में। दूसरा कि यह भारत की और राज्यों की जो आकस्मिक निधि और जो पब्लिक अकाउंट्स में से धन व्यय किया जाता है भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा, उसी की ऑडिट करेगा। तीसरी बात कि वह भारत सरकार राज्य सरकार या उनके विभाग के द्वारा किए गए व्यापार, विनिर्माण, से होने वाले लाभ और हानि, लाभ और हानि की ऑडिट करेगा। यानी भारत सरकार जो भी व्यापार करेगी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो या इंटर स्टेट बिजनेस हो, या राज्य की सरकारें जो भी व्यापार करेंगी, या उनके किसी विभाग के द्वारा कोई व्यापार किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, तो उस व्यापार से या विनिर्माण से सरकार या उसके विभाग के द्वारा किए गए व्यापार से जो लाभ होगा या जो हानि होगी उसकी भी यह क्या करेगा, ऑडिट करेगा। इसके बाद देखिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य और शक्ति सेवा शर्तें अधिनियम 1971 पारित किया, अधिनियमित किया पार्लियामेंट ने, तो उसी पार्लियामेंट ने 1976 में संशोधन
और 76 में संशोधन के द्वारा मैंने आपसे कहा कि संघ के लेखा परीक्षण को पब्लिक अकाउंट से अलग कर दिया गया। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, क्या अब नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित निगम हो या कोई संस्था हो, भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा वित्त पोषित जो निगम हो चाहे संस्था हो, इनके भी आय और व्यय की संपरीक्षा करेगा, जिसे हेडिंग में आप देखेंगे कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करेगा, तो भारत सरकार और राज्य सरकार की आय और व्यय की संपरीक्षा करेगा। आय और व्यय की संपरीक्षा करने का उद्देश्य क्या है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों के द्वारा जो भी वित्त पोषित निगम है या कोई संस्था है या कोई भी संगठन है जो व्यापार करता है या विनिर्माण के क्षेत्र से जुड़ा है या शेयर मार्केट में है, उसके द्वारा जो भी आय और व्यय होगी उसकी भी ऑडिट करेगा। और महत्वपूर्ण बात आपके सामने आ रही है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक इनकी जब ऑडिट करेगा तो ऑडिट करने के बाद ऑडिट किया और ऑडिट के बाद तैयार किया क्या रिपोर्ट, और वह रिपोर्ट नियंत्रक महालेखा परीक्षक देगा, किसे देगा, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति क्या करेगा कि संघ और राज्य, नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट तैयार किया, एक रिपोर्ट दे दिया किसको, राष्ट्रपति को, और दूसरा रिपोर्ट किसे देगा, राज्यपाल को। यानी संघ सरकार से संबंधित रिपोर्ट सीएजी देगा राष्ट्रपति को और राज्य से संबंधित रिपोर्ट देगा राज्यपाल को। राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्ट को रखवाएगा कहां पर, संसद में। राज्यपाल रखवाएगा विधानमंडल में। जब राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखवाएगा तो जैसे ही पार्लियामेंट में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट रखी जाएगी, उस रिपोर्ट को पब्लिक अकाउंट कमिटी, लोक लेखा समिति लपक लेगी और उसकी जांच करना शुरू कर देगी। जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को राष्ट्रपति पार्लियामेंट में रखवाएगा, जिसकी लोक लेखा समिति जांच करेगी, उस जांच के दौरान पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष, चूंकि ये परंपरा है, कहीं लिखित नहीं है, विपक्ष का सदस्य होता है, तो जब नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच पीएसी करेगी तो उस की जांच के दौरान पब्लिक अकाउंट कमिटी नियंत्रक महालेखा परीक्षक को बुलाएगी, दोनों के बीच नेगोशिएशन बातचीत होगी, बंद कमरे में होगी, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई किसी को कोई खबर नहीं होती। इसी वजह से नियंत्रक महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का मित्र, फ्रेंड एंड फिलोसोफर कहा जाता है। तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति उसे रखवाएगा कहां पर, पार्लियामेंट में। राज्यों से संबंधित होगा, राज्यपाल को देगा, राज्यपाल रखवाएगा विधानमंडल में। तो जब संसद के अंदर रिपोर्ट जाएगी तो उस रिपोर्ट की जांच करना शुरू करेगी नियंत्रक लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष चूंकि विपक्ष का सदस्य होता है,
तो जो जो सदन में हंगामा होगा कि इन इन कार्यक्रमों के लिए इतना पैसा इतना धन आवंटित किया गया था जिसमें से इतने पैसे का स्कैम हो गया, घोटाला हो गया, तो संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है और ऐसे कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण लगाने के क्या क्या साधन होने चाहिए, उन्हीं साधनों में से एक साधन है नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जिसके बारे में मैंने आज चर्चा की। आप अपने घर पे, फिर एक बार मैं आपसे कहूं कि आप लोग जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है, ये जून का महीना भी गुजर रहा है, जुलाई का महीना आने वाला है, बहुत ज्यादा संक्रामक, मैं कोविड-19 के संदर्भ में तो कह ही रहा हूं साथ साथ, क्योंकि जुलाई का महीना और अगस्त का महीना बहुत संक्रामक होता, बारिश होती है, वायरस का, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, इसलिए उससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप अपने घर पर रहें, जरूरत पड़ने पर निश्चित रूप से मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने का परिचय दें। धन्यवाद।